अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जी, मैं कर रही हूँ अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स रेडी, और उसके लिए बना रही हूँ मैं बर्गर, जिसके लिए मैंने बर्गर बंस का पैकेट मंगवा लिया था। तो पहले मैं इन बंस को सेक लूँगी हल्का सा रिफाइंड डाल के तवे पर दोनों साइड से, और फिर उस पर लगा लिए मैंने ग्रीन चटनी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाली है थोड़ी सी मेयोनीज, और इसके बाद मैं मेयोनीज अच्छे से लगा लूँगी। अपने अकॉर्डिंग भी इसमें क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको मेयोनीज ज़्यादा पसंद नहीं है तो उसको कम क्वांटिटी में भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने उसमें केचप डाला है, टोमेटो केचप। एक्चुअली मैं इस बोतल में केचप ख़त्म हो चुका है, तो शायद वो नहीं निकल पा रहा है, तो मैंने रिफ़िल लिया है उसमें से, अभी इसमें फ़िल करूँगी। और बेटे को मैंने पहले ही रेडी कर दिया है स्कूल के लिए। तो देखें, अभी ये मैं फ़िल कर रही हूँ इसमें, हमें बेटा भी इसमें हेल्प करा रहा है मेरी। और मैंने खीरे और टमाटर इसके लिए कट करके रख लिए हैं, मेरे बेटे को ओनियन पसंद नहीं है इसलिए मैंने वो इसमें ऐड नहीं की हैं। तो देखें, ये हो गया है मेरे बेटे का लंच बॉक्स रेडी, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, कलरफुल सा। अब मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए लंच पैक। तो मैंने पैक की है यहाँ पे रोटियाँ, और मिक्स वेज मैंने बनाई थी पैक की है। और इसके बाद में मुझे नाश्ता भी बनाना है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अभी नाश्ता नहीं किया है। तो पहले मैं उनका लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ, उसके बाद में मैं बनाती हूँ नाश्ता। तो देखिए जी, मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और तो जी, मैंने काफ़ी सारी मलाई भी खट्टी की हुई है, तो मुझे उसका घी निकालना था। तो मैं इसका घी निकालने के लिए रख दूँगी, तो मैं इसको निकाल लूँगी पहले एक कढ़ाई में। मलाई अगर ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करी जाए तो उसमें स्मेल हो जाती है अजीब सी, जो घी में भी आती है। तो हो सके तो 8 दिन में उस मलाई का घी निकाल लें, ज़्यादा दिन स्टोर ना करें गर्मी में। खास तौर से गर्मी में मलाई में स्मेल ज़्यादा हो जाती है, सर्दी में तो फिर भी ऐसा होता है कि लॉन्ग टाइम तक हम रख सकते हैं उसको। तो जी देखो, मैंने एग बॉईल कर लिए हैं। तो जी देखें, मुझे ये प्लेन अंडे बॉईल करके नहीं खाने थे, मुझे ये बनाने थे कुछ डिफरेंट। तो मैंने इनका छिलका उतार लिया है, और मैंने इनके लिए की है कुछ चॉपिंग। जैसे मैंने काटी हैं इसके लिए प्याज कट की हैं, हरी मिर्चें और हरा धनिया, और मैं इन अंडों को भी बीच में से काट लूँगी 4 पीसेस में। और ये मैंने कट कर लिए हैं। इसके बाद में मैं इसे भी बीच बीच में चलाती रहूँगी, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी नीचे से जल जाता है तो या चिपक जाता है तो इसमें स्मेल हो जाती है घी में भी अजीब सी। तो कोशिश करें इसको जल्दी जल्दी चलाते रहें बीच बीच में, और फ्लेम गैस की लो ही रखें। अब मैंने दूध निकाल लिया है 1 कप में नाश्ते के लिए, और साथ में मैं नाश्ता भी तैयार कर रही हूँ, और इसे भी साथ में चलाते रहूँगी ताकि ये जले ना और अच्छा सा इसका घी निकले एकदम। तो मैं उधर नाश्ता तैयार कर रही हूँ। देखिए, मैंने दूध में चीनी ऐड की है, और ये जो मैंने अंडे कट किए थे इनमें मैंने चॉप करी हुई प्याज, हरी मिर्चें
और टमाटर और थोड़ा सा काला नमक और सॉस ऐड की है, टमाटो केचप। एक बार ट्राई करके ये ज़रूर देखें, सिंपल वाले से भी ज़्यादा टेस्टी एग लगते हैं ये वाले। नाश्ता बनके हमारा रेडी है, ये देखें कितना यम्मी लग रहा है। तो जी अब नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में मैंने एक बार गैस को फिर से चेक कर लेना है और इसको अच्छे से एक बार फिर से हिला देना है ताकि ये नीचे से जले ना, और इसको एक बार फिर से अच्छे से चला के, और नाश्ता मैंने कर लिया है और साथ ही में सारे बर्तन भी वॉश कर लूँगी। और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं साइड पे, उसके बाद मैं कर रही हूँ ये सारे काम। तो पहले मैं जल्दी से बर्तन धो लूँगी सारे, और इसके बाद मैं करते हैं और बाकी के काम। तो जी बर्तन भी हो गए हैं वॉश, हाथ साफ करने के लिए किचन वाला टॉवल था जो मैंने वॉश किया है। जल्दी से भी वॉश करने के बाद में मैंने अच्छी तरह से सिंक को साफ कर लिया है। क्योंकि ये घी को लो फ्लेम पे पकाया जा रहा है इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इसे काफ़ी पहले ही रख दिया था। जब हम नाश्ता कर रहे थे तभी मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, और अब ये पक चुका है और इसको डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, ये इसी तरह से कलर इसका रहना चाहिए। और ये देखें इसको मैंने छान लिया है, घी हमारा तैयार है। उसके बाद में मैंने कुछ कपड़े वॉश किए थे कल, तो मुझे इनको आयरन करना था तो मैं कर रही हूँ इनको आयरन। तो मुझे लगता है अगर कपड़े थोड़े हों धोने के लिए या फिर प्रेस के लिए तो उन्हें जल्दी जल्दी ही ख़त्म कर लेना चाहिए उस काम को, वरना तो फिर वो ज़्यादा ही खट्टे हो जाते हैं तो फिर उनमें टाइम भी ज़्यादा ही लगता है। और मुश्किल से मुझे 15 से 20 मिनट ही लगे हैं आयरन करने में, तो ये भी मेरा काम जल्दी से फिनिश हो गया था। और सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर आ गए थे मेरे ट्यूशन के लिए बच्चे, और ये देखें सारे मेरे क्यूट क्यूट से बच्चे आ चुके हैं। कुछ बच्चे इनमें बहुत नोटी भी हैं जो कि मैं वीडियो में देखती हूँ, तो मुझे पता चलता है। उस टाइम में बिज़ी होती हूँ तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ कि मुझे वर्क देना होता है बच्चों को, तो मैं देख नहीं पाती हूँ। लेकिन वीडियो में देख के बहुत पता चलता है कि ये शैतानी कर रहे हैं पीछे बैठ के। और अब तो मुझे भी इनसे इतनी अटैचमेंट हो गई है कि अगर ये संडे वाले दिन जैसे कि छुट्टी रहती है इनकी तो नहीं आते हैं, तो मैं भी इन्हें काफ़ी मिस करती हूँ। तो संडे वाले दिन में कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं तो मैं उसी में बिजी हो जाती हूँ ज़्यादा, अदरवाइज इन्हें बहुत मिस करती हूँ संडे वाले दिन। अगर थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है तब मुझे ऐसा होता है कि आज बच्चे नहीं आए हैं।
और ये देखें सभी कितने क्यूट हैं माशाल्लाह। बाय जी। मैंने अब इनके जाने के बाद में ये रूम भी कर लिया है क्लीन, अब कुछ कपड़े भी वॉश किए थे जी। अब हो गया डिनर का टाइम, तो मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे। तो मैं चटनी के लिए ये दूसरी वाली मिर्ची यूज़ करती हूँ जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं, तो मैंने उसकी चटनी पीस ली है। लहसुन और नमक और जीरा डाल के ये मैंने चटनी पीस के रखी हुई है, और मूली को मैंने घिस के रख लिया है छील के। अब मैंने इसमें डाली है हींग, जीरा पाउडर जो कि मैं पीस के रखती हूँ, मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है रायते वगैरह में या किसी भी रेसिपी के लिए नीड होती है तो वो उसमें टाइम नहीं लगता है, तो वो मैं निकाल के फ़ौरन से उसमें ऐड कर देती हूँ। तो ये मैं मिक्स कर लूँगी, मैंने सॉल्ट ऐड किया है थोड़ा सा इसमें अभी, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है, इसमें मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है। इसके बाद में मैं इसे फिर से एक बार मिक्स कर लूँगी और ये हो गया है तैयार। तो अब बनाते हैं पराठे। तो ये जो मैंने पराठे बनाए थे, तो इसमें मुझे एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये जब मैं इनको बना रही थी तो इसमें से जो ये बैटर था ये बाहर स्लिप हो रहा था, निकल रहा था बाहर। और सेकंड ये कि इसमें जो ये बैटर भरा था मैंने मूली का, तो ये मूली कच्ची थी तो इस वजह से ये बॉयल्ड नहीं था ये बैटर, तो इस वजह से इसमें क्रंचनेस आ रहा था, एक सॉफ्टनेस नहीं था जो कि होना चाहिए था, तो वो पक नहीं रही थी अच्छे से। तो मैंने इस वाले टाइप से दो तीन ही पराठे बनाए थे, ज़्यादा पराठे नहीं बनाए थे, मैंने थोड़ा ही बैटर बनाया था ये वाला। देखें ये बैटर हो चुका है मेरा ख़त्म। तो ये देखें, और मैंने एक अलग तरह से भी मूली के पराठे बनाने की कोशिश की है आज, जिसमें कि मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और जो मूली बच गई थी वो मूली ली है मैंने, और उसके बाद मैंने मिला दिया थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और ये लिया था मैंने धनिया थोड़ा सा क्रश किया हुआ, और थोड़ा सा भुना जीरा, और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें हींग। उसके बाद में जो मैंने चटनी बनाई थी मिक्सी में वो वाली चटनी ऐड की है इसमें, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची जो चॉप की थी वो डाली हैं, और बहुत सारा हरा धनिया, और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है, और इसके साथ मैंने जो प्याज सुबह मेरी थोड़ी सी बच गई थी अंडे से तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और उसके बाद में मैंने इसमें काला नमक भी ऐड किया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल,
दो चम्मच और चार चम्मच मैंने इसमें बेसन यूज़ किया है। तो मूली के मॉइस्चर से ही इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे और इसी में इसको मिक्स करने के बाद अगर एक्स्ट्रा हमें वाटर की ज़रूरत होगी तब हम इसमें और पानी ऐड करके और हम आटा गूंथ लेंगे अच्छे से। तो मुझसे यहाँ पर खड़े होके अच्छे से आटा नहीं गूंथ पाता है, इसलिए मैंने नीचे बैठ के अच्छे से आटा गूंथ लिया है ये, और ये इस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो मैं बनाने लगी हूँ इसके पराठे। तो ये पराठे रेडी हैं और ये पराठे की शेप पे नहीं जाइएगा, ये खाने में उस वाले पराठे से काफ़ी बेटर थे और बहुत अच्छा इनका टेस्ट आ रहा था। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और मूली का जो क्रंचनेस कच्चापन उस पराठे में आ रहा था वो इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा था। इसमें मूली जो हमने ऐड की थी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी, अच्छे से पक चुकी थी, तो क्रंची नहीं लग रही थी। तो मुझे तो इतने पसंद आए कि मैं तो अब से यही रेसिपी फॉलो करूँगी मूली के पराठों के लिए। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।